नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, शर्मा डिजिटल मीटर रिपेयर में आपका स्वागत है। ये ड्यूक 200 का डिस्प्ले है, इसमें नोटिफिकेशन डिस्प्ले नहीं आ रहा है, इसको रिपेयर करना है। ये मीटर सीलेंट से चिपका हुआ है, इसलिए इसको पहले हीट करके खोलते हैं। इसको सेफली खोलना ज़रूरी है क्योंकि फिर इसको वापस फिट भी करना है। और ये भी ध्यान रखना है कि स्क्रू ड्राइवर से खोलने के टाइम स्क्रू ड्राइवर के प्लेट वगैरह को डैमेज ना कर दे। मैंने इसको ग्लो टॉर्च से अच्छे से हीट कर लिया है और अब इसके गैप में स्क्रू ड्राइवर डाल के मैं इसको खोलने की ट्राई कर रहा हूँ। और अच्छी खासी मेहनत करने के बाद मीटर खुल गया है। आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं, देखिए नोटिफिकेशन डिस्प्ले में कुछ नहीं आ रहा है। मोस्टली इस कंडीशन में डिस्प्ले रिप्लेस ही करना पड़ता है, बट कुछ चांसेस रहते हैं डिस्प्ले रिपेयर भी हो जाते हैं। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ फर्स्ट इसका रिपेयर करने का, इसको नया डिस्प्ले ना डालना पड़े। बैकलाइट के दोनों पॉइंट सेफली रिमूव कर लिए हैं क्योंकि अगर ये अच्छे से रिमूव नहीं होंगे तो बैकलाइट के कनेक्शन टूट जाते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी डिस्प्ले इसका ठीक हो गया है अच्छे से, अभी सब नोटिफिकेशंस आ रहे हैं अच्छे से। अब इसको वापस फिट कर देते हैं। फिट करने के बाद एक बार लाइट के साथ चला के देख लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं इसमें डिस्प्ले पे नोटिफिकेशन डिस्प्ले बिल्कुल अच्छे से आ रहा है। और अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका कवर बहुत बुरी तरीके से डैमेज है, अगर मैंने ये कवर वापस यूज़ किया तो मीटर में पानी जाएगा और वापस ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं ये नया कवर यूज़ करने वाला हूँ। और मीटर में कभी वॉशिंग वगैरह के टाइम पे या बारिश में पानी अंदर ना जाने पाए साइड से, इसलिए मैं इसको इसके रबड़ पे ज़्यादा भरोसा ना करके मैं इसके अंदर ये रबड़ ग्लू भर देता हूँ। इस रबड़ ग्लू से ये सूखने के बाद बिल्कुल रबड़ बन जाता है और मीटर में साइड से बिल्कुल भी एयर टाइट मीटर को कर देता है साइड से। बाकी जो थोड़ा बहुत पानी है वो सब आपका बटन वगैरह टूटने के बाद अंदर जा सकता है, जिसका कि आपको ध्यान रखना है बटन का कि आपको उसको बहुत ऐसा पुश हार्ड अंदर नहीं करना है। अगर ज़्यादा अंदर तक आप नाखून से बटन दबाएंगे तो वो टूट जाएगा। बाकी मैं जब कोई भी KTM का मीटर रिपेयर करता हूँ तो मैं उसमें बटन के नीचे इतना क्लियरेंस कम कर देता हूँ ताकि वो बटन आपका ऊपर के ऊपर दबे, आपको अंदर तक दबाने की उसको ज़रूरत ना पड़े। आप मेरे किसी भी KTM के मीटर में जो भी मैं रिपेयर करता हूँ आप सब में ये चीज़ देख सकते हैं। देखिए अब मैं इसके बटन के नीचे क्लियरेंस कम करने के लिए ये पैकिंग डाल देता हूँ। ये पैकिंग भी अलग ही टाइप की है, ये कभी अपनी इसका क्लियरेंस कम या ज़्यादा नहीं होता, ये एक्यूरेट उतनी ही रहती है हमेशा।
इस वीडियो में एक प्रॉब्लम और आई, मैं रिपेयर करने के टाइम पे भूल गया था। अभी आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। देखिए अभी मैं मीटर ये फिट करने जा रहा हूँ। ये मीटर मुझे इतना अच्छे से पैक करने के बाद, पूरा सीलेंट अच्छे से भरने के बाद, वाटर प्रूफिंग करने के बाद इसकी, और बाद में मुझे जब बाद में जब मैंने कस्टमर को वापस ये वीडियो दिखाया इसका मीटर का कि आपका मीटर रिपेयर हो गया, उसने बोला सर मैंने आपको वाइट लाइट के लिए भी बोला था, और सच बताऊँ मैं भूल गया था उसको वाइट लाइट भी डाल के देनी है। तो फिर ये मीटर मैंने वापस खोला, इसके अंदर वाइट लाइट सेट किया और अभी रिज़ल्ट आपके सामने है। सारा प्रोसेस मुझे दोबारा से करना पड़ा, सब वो ग्लू वगैरह सब कुछ पहले से भर के रखना पड़ा वापस दोबारा से, वो सब मैंने इसके अंदर शो नहीं किया है। बाकी मीटर भी कम्प्लीटली फिट हो चुका है ये, और अब आप उसका फाइनल रिज़ल्ट दिखा देते हैं। रिपेयर करने के बाद मीटर बिल्कुल न्यू जैसा दिखता है, और ये देखिए फाइनल रिजल्ट। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।